एनिमल गेमिंग पे ऑलरेडी टीम ने एक दस्तक दे दिया एंड दैट इज गोइंग टू बी केविन ईस्पोर्ट्स। आर2 को कर दिया गया नॉक, बट अफसोस हेक्टर जोन डैमेज लेके वो ट्रेड हो जाएंगे। कार्निवल गेमिंग रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए भी, केमिन के लिए भी, ब्लू जोन का डैमेज भी यहाँ पे जो दोनों टीम्स को फिलहाल के लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा ग्रेनेड्स का एक्सचेंज दोनों साइड से देखने को मिला, बट केमिन के जो प्लस नॉक हुए थे उनको रिवाइव मिल चुके हैं। अब देखिए नियो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह के खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है ग्रेनेड्स आ सकते हैं, कंपाउंड के अंदर रहना, बिल्डिंग्स के अंदर रहना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, बट डोप फाइंड्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन ऑन टू ओमेगा, इंस्टेंट फिनिश भी उनको यहाँ पे कर दिया जाएगा, तो कार्निवल गेमिंग के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से गिरते हुए। हाल फिलहाल में हमने थोड़ी बदलाव देखी है कार्निवल गेमिंग के प्ले स्टाइल में, इनफैक्ट पोजीशंस पे ओमेगा हमेशा एक फ्लैंक एंगल पे रहते हैं, हेक्टर के जाने के बाद ठीक बाद ही हमने देखा कि ओमेगा को वहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ा। गॉबलिन के ऊपर देखिए किस तरीके से बमबारी हो रही है कि उनका बहुत ज़्यादा इन्होंने डैमेज ले रखा है। अब गॉबलिन अपने आप को हील तो कर जाएंगे, बट देखिए नियो के ऊपर पूरा भार स्पॉट किया है, फैंटम को ऑलमोस्ट नॉक कर चुके थे, बट ये देखिए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये सर्कल के बाहर की फाइट हो रही है, तो जल्द से जल्द केविन स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को भी अपने आप को हील करना पड़ेगा। आल्टो का वो एंगल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। इवन सर्कल के अंदर यहाँ पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स भी वेट कर रही है, बट नियो को ग्रेनेड ऑल्टो को यहाँ पे जो है नॉक कर देगा। सडनली केमिन ईस्पोर्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकती है अगर ये ग्रेनेड भी कनेक्ट हो जाता डोप के ऊपर, हल्का सा डैमेज मिला है बट रिवाइवल यहाँ पे ऑल्टो को मिल जाना चाहिए, बट कार्निवल गेमिंग दे आर इन एग्रेसिव मोड फिलहाल के लिए। एक और ग्रेनेड नियो का, ऑल्टो गेट्स टेकन डाउन, डोप काफी ज्यादा लो एचपी पे यहाँ पे आ चुके। सडनली कार्निवल गेमिंग लुक्स लाइक दे आर गोइंग टू विन दिस पर्टिकुलर फाइट। ऑल्टो का कंफर्मेशन पॉइंट, गॉब्लिन विद अ डीपीएस फाइंड्स वन मोर प्लेयर, डोप को यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। पासे पलट दिए हैं ये जय वीरू की जोड़ी ने, यहाँ पे जो कमाल दिखाया बहुत ही सूझबूझ के साथ, स्थिरता के साथ खेला और पूरा लाभ उठाया। वेनम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि फैंटम को किसी तरीके से रिवाइव कर पाए, ऐसा हो उससे पहले ये दो खिलाड़ी दुरंधर प्लेयर्स टूट पड़ेंगे। वेनम देखिए अकेले बचे, गॉब्लिन जिस तरीके से बढ़ रहे उनके तरफ, अब वेपन शिफ्ट करेंगे G36C पे, क्या यहाँ पे क्लच कर पाएंगे? आंसर विल बी नो, वेनम ने आपा नहीं खोया।